हाय ऑल, आपका स्वागत करता हूँ एक्सेल वर्ल्ड की दुनिया में। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है बार चार्ट। बार चार्ट आर यूज्ड टू एनालाइज द डेटा विच हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। तो बार चार्ट हमें किसी भी डेटा को अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के थ्रू, तो हम बार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट के बाद हम चार्ट को जब स्क्रोल डाउन करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं वहाँ पे बार चार्ट का ऑप्शन ओपन होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ तीन टाइप से के बार चार्ट हैं, क्लस्टर्ड बार, तो क्लस्टर बार वैल्यू, फिर स्टैक बार, तो स्टैक बार वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे बार चार्ट में एज एन ऑप्शन जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, हम यहाँ पे डेफिनेशन भी दिखाई है। फिर 100% स्टैक बार भी है हमारे पास, जो कि हमें नथिंग बट जो कि हमारा 100% स्टैक दिखाएगा, और सेकंड की तरह ही है वो भी, मगर वो सारे डेटा को 100% के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो हम यहाँ पे अपना डेटा सेलेक्ट करते हैं, फिर इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करके हम बार चार्ट पे जाते हैं और फिर किसी भी एक बार चार्ट पे क्लिक करके उसको अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा डेटा किस तरीके से हमारा दिख रहा है। जब हमने फर्स्ट चार्ट को अप्लाई किया तो हमारा किस तरीके से एंटायर डेटा दिख रहा है बार चार्ट अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स वॉल्यूम और सेल्स ईयर के अकॉर्डिंग हमारा ये बार चार्ट हमें डेटा को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। तो ये जो चार्ट्स होते हैं ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। जब हम कभी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल है। जब भी हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सेकेंड चार्ट भी सिलेक्ट किया बार चार्ट का, और हमने आपको ये दिखाया कि क्या डिफरेंस है सेकेंड चार्ट और फर्स्ट चार्ट और थर्ड चार्ट में। तो यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया हमने आपको। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पहला जो चार्ट है वो दोनों को अलग तरीके से दिखा रहा है, दोनों पैरामीटर्स को अलग अलग कॉलम में दिखा रहा है, मगर ये जो सेकेंड चार्ट है इसमें हम देख सकते हैं ये दोनों पैरामीटर को एक ही कॉलम में एक कॉलम में दिखा रहा है कि किस तरीके से एक हॉरिजन कॉलम में दिखा के कि क्या परसेंटेज है उसका या किस तरीके से वो दिख रहा है दोनों चीजें। तो हम यहाँ पे अब हम थर्ड चार्ट भी आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि ये थर्ड चार्ट में क्या डिफरेंस है इन दोनों चार्ट के अलावा। तो यहाँ पे हमने थर्ड चार्ट को भी सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम थर्ड चार्ट को हम देख सकते हैं, ये जो थर्ड चार्ट है वो नथिंग बट ये डिफरेंस है सेकेंड चार्ट का, और वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि ये जो थर्ड चार्ट है वो 100% स्टेक दिखाता है हमें, जो कि फर्स्ट चार्ट है वो वहाँ पे 100% स्टेक हमें नहीं दिखता है। तो हम 100% के अकॉर्डिंग नहीं देख पाते। तो अगर हम 100% डेटा के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो हम सेकेंड चार्ट की जगह थर्ड चार्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इस चार्ट का फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला फॉर्मेट है चार्ट टाइटल। तो हम चार्ट टाइटल अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट एज एन एग्जाम्पल बार चार्ट को लिख रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम स्क्रोल डाउन करेंगे, हम चेंज कर सकते हैं उसका फॉर्मेट। फिर हम यहाँ पे लेजेंड सेलेक्ट करेंगे। लेजेंड नथिंग बट जो टॉपिक होता है हमारे चार्ट का वो होता है, तो हम यहाँ पे उसका पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास एक्सेस के भी ऑप्शंस ओपन होते हैं कि हम हर एक्सेस को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे चार्ट को चेंज कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर।